हेलो एवरीवन, आई एम अनीता गटानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी विच इज़ एगलेस। 125 ग्राम मैदा, 225 ग्राम पाउडर शुगर, 100 ग्राम ऑयल, 1 कप वॉलनट, 40 ग्राम कोको पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, 3/4 कप मिल्क। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमने डाला है मैदा। अब हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। अब हमने ऐड किया है कोको पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। नाउ वी विल ऐड सम बेकिंग पाउडर, इट्स 1 TSP। हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम डालेंगे ऑयल। आप चाहो तो इसे बटर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसे मिलाएंगे। इसके अंदर हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसे हमें अच्छे से मिलाना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे। अब हम बटर पेपर को भी हल्का सा ग्रीस करेंगे। अब हम वॉलनट को भी बैटर के अंदर डालेंगे। वॉलनट ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बैटर को कंटेनर में डालेंगे। मैंने ऑलरेडी कुकर को प्री हीट कर दिया है। इसको हम 5 to 7 मिनट्स तक प्री हीट करेंगे। अब मैंने एक रिंग रखी है, उसके ऊपर हम रखेंगे कंटेनर। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और ध्यान रहे इसकी सीटी निकाल दें। और इसे हमें लो फ्लेम में 45 to 50 मिनट्स तक हमें इसे बेक करना है। देखते हैं हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है क्या। अब हम एक टूथपिक लेंगे, उसमें देखिए ये चिपक नहीं रहा है। देखिए हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। अब हम चाकू की हेल्प से किनारों को अलग करेंगे। इसी तरह ये हमारा डीमोल्ड अच्छे से हो जाएगा। अब हम एक प्लेट को कंटेनर पे उल्टा रखेंगे, फिर कंटेनर को उल्टा करके उसको टैप टैप करके हम इस तरह हम डीमोल्ड करेंगे। देखिए हमारी ब्राउनी डीमोल्ड हो चुकी है। अब हम बटर पेपर को अलग कर देंगे, फिर हम ब्राउनी को सीधा करके इसे कटिंग करेंगे। देखिए हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ डार्क चॉकलेट से। मैं इसकी गार्निशिंग चॉकलेट से कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे वेनिला आइसक्रीम के साथ में भी खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी वुमन्स डे टू ऑल प्रीटी वुमन्स देयर।